हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड 2007 रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब इज द फोर्थ टैब इन द रिबन। इट अलाउ यू टू एंटर डॉक्यूमेंट सोर्सेज, साइटेशन, बिबलियोग्राफी, कमांड्स। रिबन में जो फोर टैब हमारी है वो रेफरेंस टैब है, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट में सोर्सेज, साइटेशन, बिबलियोग्राफी और डिफरेंट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। इट आल्सो ऑफर कमांड्स टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी। हम जो है साइटेशन और बिबलियोग्राफी के साथ साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज हैं, इंडेक्सेस हैं, उन्हें भी क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंस टैब में मेनली सिक्स ग्रुप्स होते हैं और इन सिक्स ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स मिलती हैं। तो ये ग्रुप्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी, और इनमें आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलेगी। इन डिफरेंट कमांड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ग्रुप, जिसमें आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स एंड इंडेक्स टेबल ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग इज क्रिएटेड। तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की हेल्प से जो है आप इंडेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड टेक्स्ट। दिस ऑप्शन मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट एज लेवल वाइज हेडिंग एंड सब हेडिंग। एड टेक्स्ट की हेल्प से आप लेवल वाइज हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल। अगर आपने टेबल बनाने के बाद उसमें कोई चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ और हेडिंग ऐड की है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से जो है आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हो। देखिए, जैसे ही आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की कमांड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक टेबल बने हुए दिखाई देते हैं। आप किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे, उसी फॉर्मेट में आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐड टेक्स्ट कमांड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको लेवल यहाँ पे दिखाई देंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप अपनी हेडिंग के लेवल यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल या फिर अपडेट पेज नंबर ओनली, किसी एक पेज को अपडेट करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अगर पूरी टेबल को आपने अपडेट करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, तो आपके टेबल में जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप आता है फुटनोट्स ग्रुप, जिसमें आपको मेनली चार कमांड देखने को मिलती है, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, शो नोट्स। फुटनोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है? फुटनोट आपको जो है हर पेज के एंड में दिखाई देते हैं, एंड नोट जो है डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुटनोट। फुटनोट को इंसर्ट कैसे करते हैं? दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू राइट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए वर्ड इन द फाइल इन द फुटर एरिया ऑफ द पेज। आपने किसी वर्ड की फुल फॉर्म जो है फुटर एरिया में लिखनी है, उसके लिए हम जो है फुटनोट को इंसर्ट करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जिस भी वर्ड के सामने कर्सर होगा उस वर्ड का जो है फुटनोट पेज के नीचे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में जैसे www दिया है या html हम जो है लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और उसकी हमें फुल फॉर्म बना के दिखानी है, तो हम उसका फुटनोट क्रिएट कर देंगे और www के बाद जैसे ही कर्सर रखेंगे और इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे तो पेज के नीचे जो है फुटनोट क्रिएट हो जाएगा हमारा। इसी तरह ही हम एंड नोट क्रिएट कर सकते हैं। सेम वे है एंड नोट क्रिएट करने का, डिफरेंस बस इतना है फुटनोट जो है आपके हर पेज के नीचे क्रिएट होते हैं, एंड नोट जो है डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फुटनोट। जितने भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट क्रिएट किए हुए हैं उन फुटनोट पे जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपने आप जो है कर्सर नेक्स्ट फुटनोट पे जाता जाएगा। इसी तरह ही शो नोट्स का ऑप्शन है। विद दिस ऑप्शन द कर्सर इज मूव टू द फाइल वेयर द एंड नोट और फुटनोट इज रिटन। कर्सर जो है फाइल में उस जगह मूव करता जाएगा जहां पे आपने एंड नोट और फुटनोट क्रिएट किए हुए हैं। नेक्स्ट ग्रुप है साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी ग्रुप। साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी ग्रुप में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में
बिबलियोग्राफी और साइटेशन को ऐड कर सकते हैं। इसमें मेनली आपको चार कमांड देखने को मिलती है, इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्सेज, स्टाइल, बिबलियोग्राफी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइटेशन होती क्या है। साइटेशन जो है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर लिखते हो, आपको बताना पड़ता है कि आपने वो मैटर किस सोर्स से लिया है। आप वो मैटर किसी बुक से भी ले सकते हो, किसी जर्नल से भी ले सकते हो, या फिर किसी आप न्यूज़पेपर का भी हो सकता है वो मैटर, किसी वेबसाइट से भी वो मैटर ले सकते हो। तो आपको उसका सोर्स बताना पड़ता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन क्रिएट कर देते हो, साइटेशन की हेल्प से जो है आप उसका सोर्स बता सकते हो। तो साइटेशन जो है बुक, मैगजीन, आर्टिकल, आर्ट, किसी भी चीज़ की साइटेशन जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। ये साइटेशन आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअली हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पे जाके इसे ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि मैनुअली जो हमें टाइम लगता है वो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में आपने जो है अपनी साइटेशन है उसमें कुछ एडिटिंग करनी है या उसे डिलीट करना है, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप उसकी एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टाइल। विद दिस ऑप्शन द स्टाइल्स आर एडिड और चेंज। जो साइटेशन का स्टाइल होता है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में मेनली जो है MLA साइटेशन यूज़ की जाती है, APA यूज़ की जाती है, तो इस तरह से आप उसके अलावा भी कोई स्टाइल चूज़ कर सकते हो, या इनमें से कोई भी स्टाइल जो है चेंज कर सकते हो। जो आपने अपनी साइटेशन का रखना है वो स्टाइल आप रख सकते हो। नेक्स्ट बिबलियोग्राफी। विद दिस ऑप्शन द बिबलियोग्राफी ऑफ साइटेशन कैन बी इंसर्टेड इन द फाइल। जितने भी साइटेशन आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट की है उसको जो है उसकी बिबलियोग्राफी आपके डॉक्यूमेंट में नीचे क्रिएट करने के लिए हमें बिबलियोग्राफी का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। इससे जितनी भी साइटेशन आपने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड की है, सारी साइटेशन फॉर्मेट वाइज जो है डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आप बिबलियोग्राफी ऐड करना चाहते हो वहाँ आ जाएगी। देखिए, इंसर्ट साइटेशन में सबसे पहले आपको इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर, सर्च लाइब्रेरी, तो जहाँ से भी आपने साइटेशन अपनी क्रिएट करनी है आप उस ऑप्शन पे जा सकते हो। जैसे ऐड न्यू सोर्स के ऑप्शन पे जाना है आपको, और आप जो भी साइटेशन, आप जैसे बुक की साइटेशन देना चाहते हैं, किसी आर्ट की साइटेशन देना चाहते हैं, मैगजीन की साइटेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन आप जो है डॉक्यूमेंट में साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज सोर्सेज। मैनेज सोर्सेज में जो है आप अपनी साइटेशन को एडिट कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसे डिलीट करना चाहते हैं, या नई जो है साइटेशन ऐड करना चाहते हैं, तो इस जो है ऑप्शन की हेल्प से आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल। ये देखिए, स्टाइल में जो मैंने आपको बताया ही है, MLA मेनली हम यूज़ करते हैं साइटेशन के लिए। आप जो है इसके अलावा जो ये डिफरेंट जो है स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप कोई भी स्टाइल जो है साइटेशन का यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बिबलियोग्राफी। जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन ऐड की हुई है और उसको जो है आपने बिबलियोग्राफी के फॉर्मेट में दिखाना है, तो यहाँ से आप जो है इंसर्ट बिबलियोग्राफी ऐड करेंगे। जहाँ भी डॉक्यूमेंट में आप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर ले जाइए, और उसके बाद जो है इंसर्ट बिबलियोग्राफी, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है आपकी साइटेशन की बिबलियोग्राफी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप आता है कैप्शन ग्रुप। कैप्शन ग्रुप में आपको ये चार कमांड्स देखने को मिलती है, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन की। विद दिस ऑप्शन द कैप्शन इज रिटन ऑन द पिक्चर प्रेजेंट इन द फाइल। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी है, या कोई फिगर ऐड करनी है, कोई टेबल ऐड करना है, कोई इक्वेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको कैप्शन देनी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद जो है हम वो कैप्शन देने के बाद उस फिगर को, उस पिक्चर को या उस टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे ही हम कैप्शन दे देते हैं उसके बाद विद दिस ऑप्शन एन इंडेक्स टेबल ऑफ दोज पिक्चर इज क्रिएटेड ऑन विच वी हैव रिटन कैप्शन। इसके बाद जो है वो टेबल ऑफ फिगर जो है क्रिएट हो जाती है। हमें जो है इंडेक्स जो है कैप्शन लिखे होते हैं उसमें जो है इंडेक्स टेबल दिखाई देती है, उसकी हेल्प से हम जो है इंडेक्स टेबल बना पाते हैं। नेक्स्ट अपडेट टेबल। अपडेट टेबल वही है, जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, इसी तरह आप अपने पिक्चर में या किसी टेबल में या फिर किसी
इक्वेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हमें अपडेट टेबल पे जाना पड़ता है और वो हमारे इंडेक्स टेबल है उसमें अपडेट हो जाता है। क्रॉस रेफरेंस, डिस्प्ले द क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसिंग इनटू योर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, टर्न टू द पेज 3, प्लीज रेफर टू पेज 12, क्रॉस रेफरेंस आर इंसर्टेड एज हाइपरलिंक्स। क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें आपको आप जो है हाइपरलिंक बना सकते हैं। जैसे डायरेक्टली जो है आप पेज 3 पे जाइए, डायरेक्टली आपको किसी वर्ड पे जाना है तो वो आपको टेक्स्ट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली जो है उस हाइपरलिंक पे या उस पेज नंबर पे को एक्सेस कर पाते हैं। इसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है इंडेक्स ग्रुप, जिसमें मेनली 2-3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स एंड अपडेट इंडेक्स। मार्क एंट्री में सबसे पहले जो है आपको एंट्री मार्क करनी पड़ती है। इंडेक्स मेनली जो हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, हमें उसका एक इंडेक्स बनाना हो। जैसे एक टाइप से ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के जैसे यूज किया जाता है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के अलावा जो है अपनी हेडिंग का जो है एक इंडेक्स भी बना सकते हैं। तो उस इंडेक्स को बनाने के लिए हम जो है इंडेक्स ग्रुप को यूज करते हैं, जिसमें हमें पहले मार्क एंट्री ऑप्शन की हेल्प से उस एंट्री को मार्क करना पड़ता है कि किस हेडिंग के अंडर जो है हम वो जो लिस्ट रखना चाहते हैं, कौन कौन से वर्ड रखना चाहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन हमारी इसी में मेनली हेल्प करता है। मार्क्स द करंटली सेलेक्टेड टेक्स्ट सो इट विल अपियर इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमें जो है टेक्स्ट को सेलेक्टेड करना पड़ता है, हमें उस वर्ड को, उस हेडिंग को सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि हम उसमें इंडेक्स में रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स, इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एड एन इंडेक्स लिस्टिंग कीवर्ड्स एंड पेज नंबर दे अपियर ऑन, जिस भी पेज नंबर पे वो है वो ऐड करने पड़ेंगे और उसके बाद जो है वो लिस्ट हमें कीवर्ड्स जो है उस इंडेक्स में ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इंसर्ट इंडेक्स पे करते हैं तो वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं वो वर्ड्स जो जो हमने एंट्री की होती है। फिर अपडेट इंडेक्स, अगर उस टेबल को हमें अपडेट करना हो उसके लिए हमें जो है अपडेट इंडेक्स कमांड की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट ग्रुप आता है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप। ये भी टेबल ऑफ कंटेंट्स की जगह हम एक अलग से टेबल बना सकते हैं, जिसके लिए हमें मार्क साइटेशन, इस ऑप्शन पे जाना पड़ता है। ऐड द करंटली सेलेक्टेड टेक्स्ट सो इट विल अपीयर इन द टेबल ऑफ अथॉरिटी। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं उसी तरह का ही ये टेबल ऑफ अथॉरिटी बनता है, जिसमें हम जो है डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पे मार्क करते हैं। उसके बाद जो है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, फिर जो है उसे इंसर्ट ए टेबल ऑफ अथॉरिटी फॉर केसेस, स्टेटस एंड अदर अथॉरिटीज इन द डॉक्यूमेंट। जो भी हमें मार्क की हुई एंट्री है उसे इंसर्ट करना हो, इस ऑप्शन पे जाके हम उन वर्ड्स को, उन हेडिंग को अपने डॉक्यूमेंट में, अपने जो है टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल सेम वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अपने टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ही आप अपडेट टेबल पे जाते हैं और जो है करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है जिस भी डॉक्यूमेंट पे या पूरे डॉक्यूमेंट में आपको अपडेशन चाहिए तो वो ऑप्शन आपको क्लिक करनी पड़ती है या पेज नंबर क्लिक करना पड़ता है, तो उससे आपकी टेबल जो है अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से हम रेफरेंस टैब के सारे ग्रुप्स हैं और उनके कमांड्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन कमांड्स का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ आपको। अब हम जो है रेफरेंस टैब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। रेफरेंस टैब में जो डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, फुट नोट्स, साइटेशन एंड बिबिलियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल एंड अथॉरिटीज, और उनमें जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं और उसके लिए हमें जो है टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। जो टेबल बनाया है हमने उस टेबल को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस पर डॉक्यूमेंट बनाती हूँ कोई अपना। इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ताकि जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो काफी दिखे।
बार हम इतना ही लेके चलते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए जो है हमें हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग देती हूँ एक कंप्यूटर नेक्स्ट, उसके बाद इसके लिए जो है फर्स्ट पेज जो है अपना खाली कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर किया मैंने, उससे मेरा फर्स्ट पेज जो है खाली हो गया जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस टैब में जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए ऐड टेक्स्ट करना है, जो हेडिंग डालनी है, तो सबसे पहले मैंने जैसे कंप्यूटर का हेडिंग डालनी है तो यहाँ पे मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और इसे लेवल वन में कर दूँगी। फिर उसके बाद जैसे कंप्यूटर में मैं हार्डवेयर एक और हेडिंग देती हूँ, हार्डवेयर को सिलेक्ट करती हूँ और इसे मैं ऐड टेक्स्ट में लेवल टू पे सेट कर देती हूँ। इसी तरह ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर, इसके लिए काफ़ी हेडिंग देनी पड़ती है हमें, तभी हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है काफ़ी, अगर वो हमें बड़ा बना के दिखाना है तो इस तरह से इसे भी लेवल टू में रखती हूँ। अब मैं एक और यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ जैसे इनपुट डिवाइस, इसे वापस से उसी ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल वन में, फिर इसमें एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस में यहाँ पे हम लिख देते हैं माउस, इसे फिर हम लेवल टू में सेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कीबोर्ड, एक और हेडिंग देते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस, इसके लिए फिर ऐड टेक्स्ट में इसे लेवल वन में रखते हैं। आप लेवल वन टू थ्री इस तरह से हेडिंग चूज कर सकते हो। इसमें हम रखते हैं, इसके भी दो कर देते हैं हम मॉनिटर, इसे ऐड टेक्स्ट में लेवल टू, इसी तरह ही एक इसे और प्रिंटर। अब ये देखिए मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ होम टैब पे जाके बोल्ड, इसका साइज 24 कर लेती हूँ और इसे अलाइनमेंट इसके बीच में कर लेती हूँ। इसे अगर हमें कलर देना है तो हम कलर भी इसका चेंज कर देते हैं और इसके आगे जैसे कर्सर रखेंगे। और उसके बाद देखिए जैसे ही मैं रेफरेंस टैब में जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक करना है और यहाँ से मैं कोई भी टेबल जो है चूज़ कर सकती हूँ, ऑटोमेटिक टेबल वन, ऑटोमेटिक टेबल टू, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसी तरह की मेरी हेडिंग आएगी। ये देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएगा जिसमें हमने हेडिंग दी थी कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिए थे, इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर। अब हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं, देखिए अब हमें अगर इसे अपडेट करना हो तो हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो हम इसमें एक हेडिंग और डालना चाहते हैं, इनपुट डिवाइस में एक डिवाइस और ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड के बाद जो है जॉयस्टिक ऐड कर देती हूँ मैं, जैसे
से फिर मैं वापस से ऐड टेक्स्ट में जाऊंगी और लेवल टू इसका सेट कर दूंगी। इसी तरह ही मैं यहाँ पे नीचे जो है प्रिंटर के बाद एक और ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं स्पीकर ऐड करना चाहती हूँ। इसे फिर से ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल टू सेट कर देंगे। अब ये देखिए, जैसे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, हमें सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस में माउस कीबोर्ड और यही नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसे अपडेट करना चाहती हूँ, तो मैं अपडेट पे जाऊँगी और यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करूँगी और जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो ये देखिए जो जॉयस्टिक है स्पीकर है ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं, अगर हमने उसमें बाद में कुछ ऐड किया है या उसमें से कुछ डिलीट करना है तो टेबल को अपडेट करने के लिए हमें इस ऑप्शन पे जाना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।